दोस्तों ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करती है, वो हर महीने एक रिपोर्ट लेके आती है हमारे सामने, जहां पे क्लियर किया जाता है कि जियो, एयरटेल, वीआई कौन सी कंपनी अपने 4G डेटा में सबसे फास्ट है पूरे भारत के अंदर, कौन सी कंपनी सबसे स्लो है, डाउनलोड में कौन है नंबर वन, अपलोड में कौन है नंबर वन और कौन है नंबर तीन पे, इसके बारे में बात होती है। तो आज एक नया डेटा ट्राई का निकल गया है, जून महीने का डेटा दोस्तों निकल गया है, जहां पे जियो ने फिर से टॉप किया है। यस, लेकिन वोडाफोन आइडिया भी किसी से कम नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों कौन सी रिपोर्ट है, किस तरह से काम करती है और यहाँ पे इस रिपोर्ट्स में फिर से कुछ सवाल को निशान यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्राई समय समय पर हर महीने एक रिपोर्ट जाहिर करती, जहां पे तीनों ही कंपनी, क्योंकि BSNL को 4G में नहीं ले सकते क्योंकि 4G उसका नहीं है, इसलिए 4G में पूरे भारत में कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर जियो, एयरटेल, वीआई कौन है फास्ट और कौन है स्लो, अपलोड में, डाउनलोड में कौन है नंबर वन, जिससे आपको पता चले आपका नेटवर्क पूरे भारत में कैसे काम करता है, ये रिपोर्ट से आपको अंदाज आ जाता है। आज दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जियो टॉप्स 4G चार्ट्स विद 21.9 Mbps, ऑलमोस्ट 22 Mbps की स्पीड दोस्तों जियो ने डाउनलोड में ली है जून महीने के अंदर। वोडाफोन आइडिया फिर से नंबर वन है अपलोड के मामले में। डिटेल में चलते हैं, एक एक देखते हैं कि यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन सी कंपनी यहां पे निकल के आई है। देख सकते हैं रिलायंस जियो कंटिन्यूज टू मेंटेन लीडरशिप पोजीशंस, जो पोजीशन इसकी दोस्तों 4G इंटरनेट सेगमेंट 21.9 Mbps की दोस्तों यहां पे मेगाबिट सेकंड से यहां पे निकल के एवरेज डाउनलोड स्पीड जून महीने के अंदर ऑलमोस्ट 21.9 Mbps की स्पीड दोस्तों निकल के आई है। वोडाफोन आइडिया अगर बात कर ली जाए यहां पे तो 6.2 Mbps की डाउनलोड स्पीड निकल के आई है। पहले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया 6.2 Mbps और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर बात कर ली जाए दोस्तों यहां पे 6.2 Mbps के साथ यहां पे दूसरे नंबर पे निकल के आई है। रिलायंस जियो यहां पे मार्जिनली पहले से थोड़ा ज्यादा दोस्तों निकल के आया, 3 times हायर देन देयर नियरेस्ट, मतलब यहां पे इससे ज्यादा स्पीड निकाल के लेके आया दोस्तों यहां पे, मतलब अगर बात कर लीजिए वोडाफोन आइडिया जो दूसरे नंबर पे से 3 गुना ज्यादा स्पीड है। एयरटेल की बात कर लीजिए तो मार्जिनली दोस्तों कम है, 5 Mbps की स्पीड निकल गई है। पहले नंबर पे जियो ऑलमोस्ट 22 Mbps, दूसरे नंबर पे दोस्तों वीआई 6.2 Mbps, तीसरे नंबर पे एयरटेल, ये मुझे चौंका रहा हकीकत में, 5 Mbps की स्पीड के साथ दोस्तों तीसरे नंबर पे यहां पे निकल के आया है एयरटेल। अब चलते हैं दोस्तों डाउनलोड स्पीड में, तो जियो ही वो बन चुका, लेकिन अपलोड स्पीड की बात कर लीजिए तो यहां पे वीआई नंबर वन निकल के आया, जहां पे एवरेज स्पीड निकल के आई है 6.2 Mbps या 6.2 Mbps। जियो दोस्तों दूसरे नंबर पे 4.8 Mbps के साथ, तीसरे नंबर पे कौन है, ना दोस्तों यहां पे एयरटेल है 3.9 Mbps, पहले नंबर पे वीआई 6.2 Mbps के साथ, दूसरे नंबर पे यहां पे जियो 4.8 Mbps, 8 Mbps भारतीय 3.9 Mbps के साथ यहां पे है तीसरे नंबर पे। तो यहां पे अगर बात कर लीजिए ट्राई की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की जो जून महीने के अंदर निकल के आई, जहां पे नंबर 1 पे डाउनलोड में जियो, नंबर 2 पे है वीआई, नंबर 3 पे एयरटेल। अपलोड की बात करें तो यहां पे नंबर 1 है वीआई, नंबर 2 पे है जियो, नंबर 3 पे है यहां पे एयरटेल। दोनों ही रिपोर्ट के अंदर नंबर 3 पे एयरटेल को रखा गया। अगर मेरी पर्सनल बात मानी जाए, क्योंकि मैं अभी राजस्थान घूम के आया दोस्तों, अगर बात करूं आपको तो जियो की स्प्लिट सुधरी है पहले से, पहले तो बहुत थर्ड क्लास आती, लेकिन जियो अभी भी नंबर 1 डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि जियो की स्पीड मैंने खुद ने देखी और हमारे लाखों सब्सक्राइबर जो मुझे बताते हैं उस लेवल की स्पीड नहीं आती, और यहां पे तो ऑलमोस्ट 22 Mbps बताई जा रही है। जियो नंबर 1 नहीं, नंबर 2 के आसपास यहां पे डिजर्व करता है, लेकिन नंबर 1 अगर बात कर ली जाए तो मेरे हिसाब से यहां पे है एयरटेल। एयरटेल जबरदस्त स्पीड देता है वो भारत में दोस्तों, किसी भी जगह आप चले जाओ ओवरऑल ज्यादातर लोग आपको एयरटेल से संतुष्ट नहीं जाएंगे। मेरे गांव में 40 से लेकर 70 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलती थी, लेकिन हां अपलोड स्पीड के मामले में एग्री करता हूं कि यहां पे एयरटेल और जियो को धो देता है, क्योंकि मेरे गांव में भी दोस्तों अपलोड स्पीड 1 Mbps भी नहीं आती थी जियो एयरटेल की, मतलब ऑलमोस्ट 500 Kbps की स्पीड आती थी, अपलोड वीडियो करने में मुझे घंटों लगते थे। लेकिन वीआई जो डाउनलोड स्पीड तो थर्ड क्लास देता था, लेकिन अपलोड स्पीड 15-20-25 Mbps के देता था, मतलब तगड़ी स्पीड आती वीआई की। तो ये रिपोर्ट सही है कि वीआई अपलोड के मामले में नंबर 1 है, लेकिन डाउनलोड के मामले में अगर नंबर 1 है तो मेरे हिसाब से एयरटेल है, और फिर दूसरे पायदान के अंदर जियो, एयरटेल, जियो और वीआई यहां पे आ जाते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है ट्राई की इस रिपोर्ट से लेकर, क्या हकीकत में जियो नंबर 1 है, और आपके हिसाब से आपके एरिया में नंबर 1 कौन है, जियो, एयरटेल, वीआई? क्योंकि आप वो कस्टमर, आप जो बोलोगे वो हमारे लिए फाइनल यहां पे जजमेंट होने वाला है। वीडियो को अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो थम्स अप जोर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलेगा, पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो लाल कलर का बटन जो दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास दिखेगा घंटी का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।